हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। यहां पे आपको नेक्स्ट क्लासेस मैंने बात किया था ऑटोमोबाइल क्या होता है और ऑटोमोबाइल के पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में। आज की जो वीडियो होने वाली है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं ऑटोमोबाइल ड्राइव क्या होता है और ऑटोमोबाइल ड्राइव कितने टाइप्स के पाए जाते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ऑटोमोबाइल ड्राइव, यहाँ पे इस टॉपिक को हम क्लियर करने से पहले कुछ चीज़ और आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग का जो सिलेबस है गाइस में जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाएगा, पर आप लोग से रिक्वेस्ट है यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग सारे स्टूडेंट एक साथ मिलकर इस चैनल को देखेंगे और साथ में सारे टॉपिक को समझेंगे तो आपको विशेष प्रकार की अगर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट करते हैं तो उससे रिलेटेड हम वीडियो बना सकते हैं। और बात किया जाए, यहाँ पे आपको मिनिमम प्राइस में नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट नोट्स को लेना चाहते हैं आप लोग कॉन्टेक्ट करिए और अपनी PDF ले लीजिए, या फिर अगर आप PDF बनाना चाहते हैं अपने तरीके से यानी वीडियो के माध्यम से तो आप लोग और अच्छा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑटोमोबाइल ड्राइव क्या होता है। चलिए देखते हैं इसको ड्राइव क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ऑटोमोबाइल ड्राइव के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है। मीन्स बात किया जाए कि ऑटोमोबाइल ड्राइव हमारा होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे कि ऑटोमोबाइल ड्राइव जब हम क्या करते हैं, कोई भी ऑटोमोबाइल ले लिया गया, जैसे कि ETC ट्रक वगैरह हो गया या फिर मारुति वगैरह हो गया, टाटा मोटर्स कोई भी गाड़ी ले लिया गया, उसको हमें क्या करना है, किसी मोड़ वगैरह पे मोड़ना है या फिर आगे पीछे मूव कराना है। तो उसको हम किस तरीके से, किसके जरिए पर हम क्या करते हैं, आगे पीछे या फिर किसी मोड़ पर मोड़ते हैं, यही हमारा क्या होता है, ऑटोमोबाइल ड्राइव होता है। यानी इसी को मोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल ड्राइव कहलाता है। चलिए बात करें ऑटोमोबाइल ड्राइव हमारा निम्नलिखित प्रकार से होते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो आपके जो यहाँ पर आप जैसे पहला हमारा देख पा रहे हैं फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है। चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि फ्रंट एक्सल चालक एक्सल है तथा इंजन सामने की तरफ होता है। यह आधुनिक व्हीकलों से सर्वाधिक प्रयोग होने वाला पारेषण है। अधिकतर फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकलों के अनुप्रस्थ इंजन माउंटिंग स्थिर बेग जोड़ों से जुड़े चालक शाफ्ट द्वारा फ्रंट व्हील को चलाया जाता है। मींस बात किया जाए कि जो हमारा फ्रंट व्हील ड्राइव होता है वो जो आगे का पहिया होता है उसके बेसिस पे इंजन रखा जाता है। मतलब इंजन से जो भी हमें पावर जनरेट होती है, मतलब पावर मिलती है, वो सारा क्या करते हैं, पहले पहिए पर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद जो पिछला वाला पहिया होता है उसको हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट के जरिए, उसको भी एक डिफरेंशियल के जरिए कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे बात किया जाए फ्रंट व्हील ड्राइव में, तो जैसे कि हमें स्टीयरिंग घुमाना है, मतलब स्टीयरिंग को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, किसी मोड़ पर मोड़ना होता है तो स्टीयरिंग को हम घुमाते हैं, तो स्टीयरिंग हमारा क्या करता है, पहले पहिए वाले मतलब जो आगे वाला पहिया होता है उसको मूव कराता है, और जो पिछला वाला पहिया होता है पहले वाले पहिए के अकॉर्डिंग, जिस तरह हमारा पहला वाला पहिया घूमता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पिछला वाला पहिया डिफरेंशियल के सहायता से पीछे मुड़ जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से दिखा दिया गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से कि यहाँ पे जो आपका फ्रंट व्हील ड्राइव दिखाया जा रहा है वो पहला वाला पहिया हमारा ये हो गया, यहाँ पे हमारा इंजन लगाया गया है। इंजन में जो पावर जनरेट हो रही है, मतलब पावर हमारा मिल रहा है, निकल रहा है, वो क्या करते हैं, हमारे पहले वाले जो पहिया होता है उस पर ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें जो पहला वाला पहिया होता है, पहले वाले पहिए के बाद हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट लगाया जाता है। अब सॉफ्ट में हमारा क्या होता है, एक डिफरेंशियल लगाया जाता है। डिफरेंशियल हमारा क्या कार्य करता है कि जब हम क्या करते हैं, पहियों को हमें इस टाइप साइड से मोड़ना होता है, तो जब हमारा ये
पहिया आगे की ओर घूमेगा, मतलब इस साइड मोड़ होगा यहाँ पे गाइस में, जैसा कि आप लोग को, तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपका ये पहिया आपका इस साइड से घूमेगा, तो उसी प्रकार हमारा क्या होगा, ये पिछला वाला पहिया भी इस साइड से मुड़ जाएगा। यही होता है हमारा फ्रंट व्हील ड्राइव कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात क्या जाए, यानी जो दूसरा टाइप्स होता है वो दूसरा टाइप्स हमारा होता है रियल व्हील ड्राइव। चलिए देखते हैं रियल व्हील ड्राइव हमारा क्या होता है, इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है कि इस चालन में चालक एक्सल के रूप में पिछले एक्सल के साथ सामने की ओर इंजन प्रधान सिस्टम होता है और इसका प्रयोग भली भारी व्हीकल्स और रेसिंग कारों में प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो रियल व्हीकल ड्राइव्स होता है वो हमारी काफ़ी भारी गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ETC आप जाकर आ जाता है, यहाँ पे बात किया जाए ये महिंद्रा थार वगैरह हो गया, टोयोटो इनोवा हो गया, ये सब इसमें गाड़ियों में जो हमारा होता है रियल व्हील ड्राइव पाया जाता है। और वहीं भी बात किया जाए यहाँ पे हमारा जो फ्रंट व्हील ड्राइव पाया जाता है वो फ्रंट व्हील ड्राइव जैसे कि आपका टाटा नेक्सोन हो गया या फिर महिंद्रा एक्स मूवी हो गया, यानी आपका ये फॉर्चूनर वगैरह गाड़ी हो गई, ये किसमें पाए जाते हैं, तो फ्रंट व्हील ड्राइव में आता है। चलिए देखते हैं रियल व्हील ड्राइव में, इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे। तो फिगर हमारा क्या दिखा रहा है आपका, जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, अब देखेंगे रियल व्हील ड्राइव को समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला पहिया हो गया उसके आगे हमारा क्या होता है, इंजन होता है गाइस। आपको बता दिया जाए क्या होता है हमारा, इंजन होता है, आप जैसे कि स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं। इंजन हमारा क्या करता है कि जो पावर जनरेट होती है वो ट्रांसफर एक सॉफ्ट के जरिए यानी ट्रांसमिशन के जरिए हमारा क्या करता है, पिछले वाले पहिए पर ट्रांसफर करता है। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या करता है, पहले वाले पहिए पर ट्रांसफर करता है, और जो रियल व्हील ड्राइव होता है वो क्या करता है, पिछले वाले पहिए पर ट्रांसफर करता है। और जिस तरह से हम स्टीयरिंग को मूव कराते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा पिछला वाला पहिया घूमता है और उसी की भांति हमारा अगला वाला पहिया भी मूव हो जाता है, यानी घूम जाता है। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्टीयरिंग दे दिया जाए, स्टीयरिंग को हम क्या किया जाए, घुमाया गया। अब घुमाने के बाद क्या करता है हमारा, तो यहाँ पे भी स्टीयरिंग मतलब इसको भी लगाया जाता है और यहाँ पे भी, मतलब जो हमारा इंजन स्टार्ट किया गया और इंजन स्टार्ट करने के बाद सारा जो पावर होता है पिछले वाले पहिए को दे दिया गया। अब पिछला वाला पहिया क्या करता है कि यहाँ पे जब हम स्टीयरिंग को मूव कराते हैं मतलब घुमाते हैं, तो सबसे पहले पिछला वाला पहिया घूमता है। क्या गाइस घूमता है, तो पिछला वाला पहिया घूमता है, और पिछला वाला पहिया अगले वाले पहिए को कहता है कि भाई साहब आप भी मुड़िए। मीन्स कहने का मतलब आप समझे गाइस, यहाँ पे पिछला वाला पहिया प्रधान होता है। मीन्स जो रियल व्हील ड्राइव में होता है हमारा पिछला वाला पहिया प्रधान होता है, और जो फ्रंट व्हील ड्राइव में होता है वो अगला वाला पहिया प्रधान होता है। यही आपका दोनों में डिफरेंट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट आता है फोर व्हील लेफ्ट ड्राइव क्या होता है, यानी फोर व्हील लेफ्ट ड्राइव क्या होता है, इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है गाइस, आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या कहता है, इस चालन में सभी चार पहिए चालक पहिए होते हैं और ये सभी पहिए चालन एवं चार पहिए चालन 4x4 प्रकार के हो सकते हैं होते हैं, और ये पहिए रपटन कम करते हैं और तथा व्हील्स पर दीर्घ ड्राइव नियंत्रण प्रदान करते हैं, और फोर व्हील ड्राइव लेफ्ट ड्राइव और जीप जैसे कि जीप वगैरह हो गया मिलिट्री व्हीकल्स में पाए जाते हैं। मतलब ऊबड़ खाबड़ रस्तों पर चलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो फोर व्हील लेफ्ट ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है गाइस, आपको फोर व्हील लेफ्ट ड्राइव में समझेंगे कि जो हमारा पहिया होता है चार पहिए लेके होते हैं, तो चारों पहिए प्रधान होते हैं। मीन्स हमें किसी को भी किसी टायर को यानी अगले वाले पहिए या फिर पिछले वाले पहिए को हमें ट्रांसफ़र करने की पावर देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि चारों में क्या होता है, थोड़ा 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 क्या करता है, पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। मीन्स आप देखे होंगे जैसे कि मिलिट्री वाली गाड़ी यानी फौजी वगैरह वाले की गाड़ी आप देखे होंगे, कहीं पर भी अगर आपको पहाड़ वगैरह पर उनको चढ़ाना होता है तो सिंपल तरीके से वहीं पर चढ़ाया
चढ़ाते चले जाते हैं। और आप देखे होंगे सिंपल गाड़ी जैसे कि यहाँ पे टाटा इनोवा वगैरह हो गया, फॉर्चुनर वगैरह हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ों पर नहीं चल पाती, यानी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर नहीं चल पाती है। तो यहाँ पे इसका यही मतलब हो गया कि फोर व्हील लेफ्ट ड्राइव में क्या होता है हमारा, कि जो चारों पहिए हमारे प्रधान होते हैं, अगर हमारा एक भी पहिया किसी न किसी तरह से रुकता है, यानी कहने का मतलब है फंस जाता है किसी कीचड़ वगैरह में, तो हमारा जो तीनों पहिया होता है उनकी सहायता से हमारा जो चौथा वाला पहिया होता है आराम से निकल जाता है। बल्कि हमारे जो सिंपल गाड़ियों में आप देखे होंगे उसमें ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। अगर पिछला वाला पहिया प्रदान किया गया है तो पिछला वाला पहिया अगर फंस जाता है तो अगला वाला पहिया हमारा नहीं निकालना पड़ता, नहीं निकाल पाता है, बल्कि हमें किसी अन्य गाड़ियों की सहायता लेनी पड़ती है। और बल्कि हमारा फुल व्हील लेफ्ट ड्राइव में ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं होता, ये खुद शक्ति रखता है कि हम उसको उस मुसीबत को पार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे फिगर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव दिखाया गया है, ऑल व्हील ड्राइव में या फिर आपका फोर व्हील ड्राइव दिखाया गया है। यहाँ पे आपका इंजन दे दिया गया है और इंजन के माध्यम से हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रांसमिशन इस वाले पहिए पर और इस वाले पहिए पर और इस वाले, यानी चारों पर हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते रहते हैं, जिनके सहायता से हमारा किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो जो चारों व्हीकल्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं कंट्रोल कर लेते हैं। अब बात किया जाए यहाँ पे फोर व्हील लेफ्ट और राइट, यानी दो प्रकार के पाए जाते हैं, फोर व्हील लेफ्ट ड्राइव और फोर व्हील यानी राइट। तो यहाँ पे आप देखे होंगे जैसे कि मिलिट्री वगैरह की गाड़ी होती है, यहाँ पे आप देखे होंगे कुछ आपका इस प्रकार से रहता है चतुर्भुज टाइप में, मतलब एक आयत के अनुसार रहता है। तो यहाँ पे आप देखे होंगे कभी कभी क्या होता है इस टाइप से बनाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो स्टेयरिंग वगैरह मतलब जो प्रधान चलाता है गाड़ी को वो हमारा कहीं इस साइड लगा होता है, और कभी कभी क्या होता है हमारा स्टेयरिंग इस साइड लगा होता है, यानी इस साइड ना देते हुए हमारा इस साइड लगा होता है, और कभी कभी इस साइड ना देते हुए इस साइड लगा दिया जाता है। तो यही होता है लेफ्ट और राइट, यानी अगर लेफ्ट में लगा दिया गया तो फोर व्हील लेफ्ट ड्राइव हो गया, और वहीं पे राइट में लगा दिया गया तो फोर व्हील राइट ड्राइव कहलाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको फोर व्हील लेफ्ट और राइट में क्लियर हो गया और रियल और फ्रंट में भी क्लियर हो गया। चलिए बात करेंगे आपको थोड़ा टॉपिक ऑफ डिफिनेशन के माध्यम से देख लेंगे राइट हैंड ड्राइव को, यानी फोर व्हील राइट ड्राइव को। चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इस चालन की उपरोक्त बताए गए फोर व्हील ड्राइव जैसा ही होता है, और इस चालन में ड्राइवर इंजन दाई और बाई बैठकर व्हीकल्स को नियंत्रण करता है। सिंपल भाषा में आपको बताया गया कि जो इसका प्रोसेस होता है सेम फोर व्हील लेफ्ट ड्राइव के अनुसार ही होता है, बल्कि जो हमारा ड्राइवर होता है यानी जो चलाने वाला चालक होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर राइट में दिया गया है तो राइट हैंड ड्राइव हो जाएगा, अगर लेफ्ट में दिया गया है तो लेफ्ट हैंड ड्राइव हो जाएगा। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को चारों टॉपिक के बारे में क्लियर हो गया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की सारी क्लासेस इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है, और प्लस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।